अवसर मौका है एक नई फिल्म का और बड़ा यूनिक नाम है आपकी और निरहुआ जी को तो जोड़ी रही है निरहुआ रिक्शा वाले में बड़ा निरहुआ और बता सकते हैं और यहाँ जो है आप फिल्म में हैं और निरहुआ के दीवाने की पिक्चर बन रही है क्या कहना चाहेंगे अब देखो अब निरहुआ के साथ जोड़ी थी अब निरहुआ के दीवाने के साथ जोड़ी है ठीक है और लालवानी साहब जो हमारे मुरली लालवानी साहब ये तो बड़े कमाल के टेक्नीशियन हैं निर्माता हैं निर्देशक हैं हिंदी फिल्म बनाए मराठी फिल्म बनाए गुजराती फिल्म बनाए और भोजपुरी में अगर आए हैं तो कुछ तो हंगामा करेंगे ही अभी आर्मी बनाई इन्होंने और रूपा जो है एक खूबसूरत अदाकारा एक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की अहम हिस्सा है और अब निर्माता अगर बन रही है तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी बात है तो यार जब एक हमारा साथी कलाकार कोई निर्माता बनता है तो कॉपरेट करना हम सब का फर्ज है और मुझे लगता है और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि फिल्म इतनी अच्छी चले कि मुरली लालवानी साहब और रूपा की जो ये निर्माता निर्देशक वाली जोड़ी है ये बड़ी कामयाब हो और फिल्म पर फिल्म बनाए यही मेरी शुभकामना है इन लोगों के लिए तो इसमें आप बतासा वाला लोग रूप में आएंगे कुछ अलग मैं बस हंसाऊंगा पागल कर दूंगा हंसा हंसा सब और ये हीरो भाई देखिए निरहुआ एक आया था हंगामा मचाया हो सकता है निरहुआ दीवाना भी हंगामा मचा दे और मचाएगा ही सिंगर से एक्टर बने देवी सिंगर जीरो बने मैं तो अभी सिंगर और एक्टर नहीं देख रहा हूँ मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये एक्टर अच्छा बनेगा एक्टर तो है ही है स्टार बनेगा ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ मुझे इस फिल्म में सर का साथ मनोज सर का साथ पा के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इनके साथ काम करने का बहुत मेरे मन में इच्छा था कि मैं काम करूं बड़े भैया के से सीखूं और मुझे बहुत ही अच्छा खुशी हो रही है और जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं बोला नहीं जा रहा है खुशी के मारे बोला नहीं जा रहा है सर एक्टिंग के बादशाह हैं बहुत से सितारों को बस वही सीखने का मौका मिला है और हम सीखेंगे भी बड़े भैया से और ये हमारे किरदार में हमारे पिताजी का रोल निभा रहे हैं और मैं इनका बेटा हूँ उसे मुझे बहुत मारते डरवा के करते हैं तो बहुत इनसे ही मुझे सीखना है और इन्हीं की डांट से मुझे आगे बढ़ना भी है मैं मुरली लालवानी साहब के बारे में बात कहूँगा मैंने हमारा परिचय बहुत दिनों से हम फेसबुक फ्रेंड हैं लेकिन मिला मैं ढंग से मिला पहली बार बहुत हम्बल आदमी है बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है मैं कुर्सी पर बैठा था जमीन में बैठ गए अरे मैंने कहा नहीं मेरी मैं यही ठीक हूँ तो यार जो इतना झुका हुआ इंसान हो दुनिया को झुकाएगा एक दिन ये तय है समझ रहे ना ये बहुत कमाल के आदमी है मैं इनका फैन हो गया बहुमुखी कहते हो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है इसीलिए मुरली जी आज सबके दिल में यार कौन नहीं जानता इनको कृष्णा को भी इन्होंने फर्स्ट टाइम भोजपुरी में बुलाया कृष्णा अभिषेक को ओम झा को पहला ब्रेक दिया म्यूजिक में इन्होंने तब 100% बहुत कमाल का और क्या मैं तो प्राउड फील करता हूँ मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है मुरली सर के साथ काम करने का मौका मिला और महादेव प्रोडक्शन बैनर तले काम कर रहा हूँ SH मूवी के तले काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है रूपा जी का धन्यवाद और हमारे बड़े भैया चंदन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ साथ हमारे बड़े भैया सर तो है ही है मुरली सर जी सर मैं कह रहा हूँ सभी तो गुणगान में गा रही हूँ मचा ही गया बस मैं एक्साइटेड हूँ रूपा के साथ तो काम कर चुका हूँ IPS में जो वेरी टैलेंटेड है मैंने पहले ही कहा था कि जब कास्टिंग हो रही थी तो लोगों ने कहा था ये है जब लुका ने पहला ही जब परफॉर्मेंस किया लोगों ने तालियां बजाई IPS में और फिल्म खुद देख लेंगे उसके बाद ये फिल्म का जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो मैंने पढ़ी तो यार स्क्रिप्ट तो काफ़ी अलग हटके है इसको कैसे करेंगे तो इसके लिए कास्टिंग का चुनाव होना जरूरी है जब मुझे इन्होंने मनोज जी के बारे में बताया मतलब मनोज जी करेंगे बोले हाँ हाँ करेंगे मैंने मनोज जी किए तो चार चांद लग गए मैंने बोला और लगन ने बोला वो फिट करेक्टली इन्हीं को फिट होता है तो उन्होंने बोला करेंगे जब इन्होंने बोला मनोज जी ने डेट वीट दे दिया हमें लग गया आपके चार चांद लग गए फिल्म पता नहीं चले नहीं चले फिल्म लोगों को बस हंसाने वाले आ गए आपकी फिल्म प्लस हो गई बस इतना कहूँगा बहुत मनोज जी एक प्लेजर और एक डेट के लिए इतना लोचा हो रहा था सर सर पता है बताया गया और इत्तेफाक देखिए मैंने कुछ नहीं किया नहीं सर संजोग डेट
12 को खाली होने वाला सितंबर अपने आप डेट मिल गया, अपने आप हो गया। मैंने ये कहा कि बस आपको आपके अलावा एक मनोज जी टाइगर आ गए फिल्म में और कोई बड़े कलाकार नहीं चाहिए, अब बस आपके पोस्ट एक आपने जिस तरह से कहा लालवानी सर, माना जब डेट नहीं मैंने जो रहा तो मैं सोच रहा था और बच्ची ने एक बार कहा मैं कैसे करूं नहीं कर पाऊंगा तो बड़ा तकलीफ होगा, मुझे खुद को तकलीफ होगा, लेकिन ईश्वर ने सुन लिया। बनारस चला गया था शूटिंग करने दूसरी फिल्म की, वो शूटिंग वहाँ कैंसिल हो गई, महादेव ने कृपा दी, महादेव का प्रोडक्शन हाईलाइट है कि मनोज जी खुद एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, ये आप सबको पता ही है, और बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर वगैरह तो है। मतलब मेरे सेट पे निर्वा जी ने कहा जब मेरी स्क्रिप्ट पे कुछ फॉल्ट हुआ मैं खुद कहूँगा कबूल आऊँगा, तो मेरी कुछ गलती थी, हालांकि गलती मेरी नहीं है, मगर मैंने तो स्क्रिप्ट लिखी ट्रांसलेट को दूसरे को दिया, पता है सामने खड़ा है, मगर कुछ अपनों की गलती है। तो दिनेश जी ने मनोज जी का जिक्र किया सेट पे, जो बोले मनोज जी पढ़ लेंगे, मनोज सिंह टाइगर बहुत अच्छे राइटर हैं, आपके जी सेट पे कहना तारीफ उनको याद आया ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब सारा कहीं ना कहीं आपके अगली फिल्म के राइटर मनोज की है। अरे डेफिनेटली वो देखो मैंने अभी तो सुना भी है पीछे टीम है कि अच्छे लेखक हैं मनोज जी, और मैंने उनके देखा भी है फिल्में, मैंने वो एक दो फिल्म बताशा वगैरह ये उनके अपने वो कुछ इम्प्रूव भी करते हैं जी, ये सब पता है मुझे। और मैं ओम झा के साथ एक बार बैठा भी था, उनकी एक फिल्म कर रहे थे मनोज जी की, वो जब भी जिक्र चला कि एक स्क्रिप्ट पे लिख रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं तो देखो जैसे मैं करूंगा तो पीछे से गॉसिप होगी, डेफिनेटली तारीफ या बुराई, तो उस तरह मनोज जी की तो बुराई नहीं, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ होते रहते। और अभी अभी टीम बनी है तो टीम में तो हर आदमी टैलेंटेड लोगों को ढूंढता है, मैं भी चाहूंगा हम लोग जुड़ेंगे तो कुछ नया क्रिएशन तो अब शुरू है ना, महादेव प्रोडक्शन में हो सकता है हम लोग अभी बहुत कुछ करेंगे। बिल्कुल आएंगे, हम नए नए लड़कों को रिकमेंड करेंगे, हम लोगों को चाहिए ही। प्रोडक्शन हाउस खोलने का यही उद्देश्य है कि हम नए लोगों को ही चांस दें, बिल्कुल पुराने तो कर ही रहे हर बैनर में, डेफिनेटली और करते ही रहेंगे, लोग और नए लोग आएंगे तो और अच्छा होगा, और क्या भविष्य लोगों का और सुधरेगा डेफिनेटली। बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती, बस महादेव से यही कि मैं ऐसे हम लोग की टीम हमेशा में नहीं रहे, और हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं भी कंटिन्यू हम लोग करते रहे और यही हमारी टीम रहे। चंदन जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस टीम को पाके मैं बहुत खुश हूँ, और कहने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि मनोज भैया का आशीर्वाद मिल गया और मुरली सर का साथ मिल गया, तो बहुत मेरे अंदर से शब्द नहीं निकल रहा है। तो नहीं सर होगा कुछ बहुत अच्छा होगा, बाबा का भक्त मैं भी हूँ, महादेव बाबा का बाबा कुछ तो बढ़िया करने वाले हैं, महादेव हमारे साथ बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज है। और रूपा बड़ी पॉजिटिव लड़की, ईश्वर इसके बारे में कुछ तो सोचे होंगे, अच्छा कुछ तो अच्छा। Thank you so much.